क्लास अब शुरू कर सकते हैं ना? यस सर। कुछ ऋषिकेश के डाउट्स है ना, शायद रिलेटेड डाउट्स होंगे, उनको देख लेते हैं। अब थ्योरी में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बचा पैराबोला में, आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। 14, 20, 24, 40, 14 कहाँ है? आइए, एक्सरसाइज 1A का 14। इनका कहना इक्वेशन ऑफ लैटिस रिक्टम, कैसे पता चलेगा ऋषिकेश? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y है। हाँ ऋषिकेश, बताओ क्या सोचा तुमने इसमें? सर फोकस निकाल के निकाल सकते हैं। फोकस वगैरह ये सब निकाले थे ना, वही काम करना है। सबसे पहले स्क्वायर यस कंप्लीटिंग कर लेते हैं ना, तो स्क्वायर कंप्लीटिंग यस के लिए हो सर। जाएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और आपका हो जाएगा 2y-4। बाकी चीज़ों को आगे यस सर। आप ले जाइए ना, यहाँ से 2 × y-2 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा निगेटिव में एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। स्क्वायर वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की प्रथा है, सो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू -2 × y-2। ये किस टाइप का पैराबोला है? वर्टिकल पैराबोला है। हाँ, वर्टिकल यस तो इस यस तरह का डाउनवर्ड पैराबोला, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड डाउन है ना, वर्टिकल और डाउनवर्ड है इस तरह का पैराबोला। तो अब बताइए वर्टेक्स इसमें क्या बन रहा है आपका? वर्टेक्स आपका बन रहा है माइनस माइनस टू टू कॉमा टू जीरो वन और ए का वैल्यू कितना हो गया? हाफ हो गया, बाय वन बाई टू हाफ माइनस इंटू ये वाई इक्वल टू 5/2 आ रहा। यस सर। ऐसा है ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ये लोग, है ना। यस अच्छा मैं डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर दिया हूँ, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा ना आपका, सर। यस एल इसके आर नीचे यस सर लैटिस रेक्टम होगा, तो y इक्वल टू 3/2, यस सर ठीक है। आइए यस सर यस सर 20 नंबर करते हैं। 18 भी था। नो सर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लैटिस रेक्टम एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, मतलब फोकस आपसे पूछा जा रहा है, फोकस फाइंड कर सकते हैं ना? यस सर यस 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 सर, सर यस सर ठीक है, कर लेना। या आंसर नहीं मैच कर रहा, यस सर आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा, तब तो पूरा काम करना आता है पड़ेगा। सर आंसर यस सर मैच कर रहा है। हाँ आंसर मैच कर रहा, फिर से ट्राई कर लो ऋषिकेश, ठीक है। ओके सर उसके बाद है 24, 40। देखिए ये क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट्स पैराबोला, है ना। तो पैराबोला के लिए मैंने एक कंडीशन लिखवाया था ना शुरू में, जो यस दिया सर था, क्या लिखवाया था यस कंडीशन? सर एच स्क्वायर इक्वल टू डेट ए बी ना। ए बी यस सर हाँ तो वही हो जाएगा फिर, ये एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, तो ये पैराबोला हो जाएगा। उसके बाद बीच में किसी और बच्चे का भी न्यूमेरिकल है, नक्श का। नक्श कहाँ कहाँ का है न्यूमेरिकल? 38, 39, 34। यस सर सर 34 बताओ।
34 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो आप इसमें देखिए, बी जो है आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पैरामीटर नहीं ना है। यस सर। जैसे ए का डिफरेंट वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए आपका ए जो है, बी जो है ऑप्शन, वो बिना पैरामीटर का है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा। समझा पार्थ? सर आंसर ए डी है मुझे। तो करेक्ट कर लेना। अच्छा ए भी है इसमें, तब गड़बड़ लिखा है पूरा, ठीक है। जैसे ए को अगर, बी को अगर सेटिस्फाई करते हो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन ए का वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं खास करके इस पॉइंट में, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसमें ये करेक्शन कर लेना, ए बाई एम स्क्वायर है, टू ए बाई एम कर लेना, ए ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, ए बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम, ठीक है। और ये बी ऑप्शन में करेक्शन मत करना, लिखना ए कॉमा टू ए और आंसर में बना देना बी है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ पैरामीटर है, देयर इज नो पैरामीटर। सर डी ऑप्शन कैसे होगा फिर, मतलब डी ऑप्शन कैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा? डी ऑप्शन देखो सेटिस्फाई कर रहा, आप वाई की जगह पे माइनस टू ए एम रखो और एक्स की जगह पर आप कितना रख लो, ए एम स्क्वायर, दोनों साइड बराबर है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो रहा, ये भी आपका फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो रहा, इसलिए ये दोनों बराबर है, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यस सर। 38 नंबर सर। 33 बताओ। 33 भी, आइए 33 कर लेते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, आपको पहले फोकस बता दिया है, फोकस आपका दिया हुआ 0.1, यस 0.1 फोकस है, और डायरेक्ट्रिक्स जो दिया हुआ है वो एक्स प्लस टू लाइन है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, यस सर। तो ये पैराबोला किस नेचर का होगा, कैसा होगा, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड? सर राइटवर्ड, राइटवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अगर ये राइटवर्ड पैराबोला हो जाएगा तो इस तरह से बीच से निकलेगा पैराबोला। यस सर। क्या आप इसका वर्टेक्स बता सकते हैं? -1.1 -1.1 हो जाएगा, राइट? अच्छा यस सर। तो हम लोग को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पैराबोला का जब तक इक्वेशन नहीं रहेगा नहीं लिख सकते ना, है ना? पैराबोला में कम से कम लैटस रेक्टम की जानकारी होनी चाहिए। सो यहाँ पे लैटस रेक्टम कितना है, ये जितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसका टू से दो गुना, तो यहाँ पर जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो लाइन है, एक्स इक्वल टू टू लाइन है, ठीक है। तो लैटस रेक्टम चार हो जाएगा ना, इसका दो गुना होगा तो। यस सर। ठीक है, सो लैटस रेक्टम चार हो गया, ए इक्वल्स टू वन। हाँ, अब पैराबोला की इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो वाई माइनस वन स्क्वायर लिखना होगा और फोर टाइम्स एक्स प्लस वन। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप देख लीजिए, माइनस वन प्लस क्या लिखना पड़ेगा, ए टी स्क्वायर कॉमा वन प्लस टू ए टी, जहां पे ए का वैल्यू आप रख सकते हैं वन। समझ में आई बात? ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन और ये बन जाएगा टू टी प्लस वन। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना? एक्सरसाइज वन ए का थ्री नंबर, मैं थ्री पे आता हूँ, एक बार यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ सृष्टि, है ना?
33 के बाद कौन सा है? 38 है, 40 सर। 40 नंबर। यस सर। नक्श का भी 38 था शायद। हाँ 38 39 है। थर्टी एट नंबर क्या कहता, लेंथ ऑफ कॉर्ड विच पासिस थ्रू वर्टेक्स मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट माइक ऑन कर सकते हैं आप। हाँ यस सर। सुनो आप ध्यान से, जो हम लोग को पैराबोला दिया गया है वो कैसा पैराबोला, राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड है, डाउनवर्ड है क्या? सर राइट वर्ड। राइट वर्ड पैराबोला हमने बना लिया। अब कहता है कि वो कॉर्ड का लेंथ बताना है, उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, और वर्टेक्स से पास कर रहा है। इसका मतलब वो कॉर्ड वर्टेक्स से पास करवा देते हैं और 30 डिग्री यस बना सर। देते हैं, तो यहाँ से यस पास सर। करेगा वो कॉर्ड। एटी स्क्वायर को मतलब सर डाउनवर्ड लेना है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लोगे तो फिर उसका एंगल 30 डिग्री। वैसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है डाउनवर्ड सर ले सकते हैं, माइनस ठीक है? वैसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि विथ पॉजिटिव मतलब एक्सिस, लेकिन कस्टम कहता है कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल लिखना चाहिए लाइन का। यस सर। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया। हमको ओ ए फाइंड करना है, ओ ए का लेंथ कितना होगा। कुछ लोग बता रहे हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 का यूज करेंगे, है ना? बहुत अच्छा, ये बहुत सर शानदार। ए पॉइंट को। तो यहाँ पे अपना पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखना होगा नक्स? टी स्क्वायर कॉमा 2t लिख सकता हूँ मैं? यस सर। यस सर। मैं नहीं जानता हूँ कि टी का यस वैल्यू सर। क्या होता है, लेकिन मैं अब इस एंगल के हेल्प से टी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो स्लोप यस है सर। ना, एम ऑफ ओ ए टाइम इन थीटा। टर्म्स ऑफ टी विल बी 2t/t², सो 2/t, और स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा ना, यस सर। 2/t। यस सर। अब यस यहाँ सर। से टी आपको मिल गया, काम कर लेंगे आप, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है? यही है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का बहुत अच्छा यूज, कि कुछ नहीं पता है आप टी मान करके बढ़ यस सर। 39, जितनी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपने सर्कल में यूज किया है ना, उससे कहीं अधिक आप पैराबोला में यूज करोगे, इलिप्स हाइपरबोला में यूज करोगे। ये कहता है कि y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x इंटरसेक्ट द पैराबोला एट ए एंड बी अदर देन ओरिजिन, लेंथ ऑफ ए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इंटरप्रेट करने वाला ये भी क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 और 3 का भी डिमांड आ चुका है ना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन और वाई इक्वल टू -x। वाई इक्वल टू एक्स अगर लेते हैं तो स्लोप कितना होगा, 1 होगा। 45 डिग्री। यस सर। 45 डिग्री। तो ये यहाँ पे पैराबोला को इंटरसेक्ट किया है और एक यस सर। इसके नीचे पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से। यस सर। ये वाई इक्वल टू सो लाइन है और ये वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। कोऑर्डिनेट सेम होगा पहले। बिल्कुल एक्स कोऑर्डिनेट सेम यस होगा, सर। सेम एक्स कोऑर्डिनेट स्थिति से। तो फोर। यस सर। अब फोर होगा। कंसीडर कर ले, जो भी एक्स मिलेगा है ना वाई का डबल कर देगा, यस बस लेंथ ए बी हो जाएगा आपका। यस सर। यस सर। एट आ रही। हो गया ठीक है, कर लोगे? अक्षय यस सर। यस ये तुम्हारा सवाल है, तुम कर लोगे ना? यस सर। हाँ आइए अब 3 नंबर करते हैं। सर। 40। 40 भी है ना, अच्छा 40 भी कर लेते हैं। क्या क्या बोले बच्चा? सर 14 में टाइम थीटा लगाना है ऐसा बोल रहा। अच्छा देखते हैं,
एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला मेकिंग, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया नहीं है जो 30 डिग्री वाला yes, sir, same. तो केवल nice, जो है cos थीटा के टर्म में या sin थीटा के टर्म में लेना है, ठीक है। देखिए हम लोग पिछले टाइम क्या लिए थे, स्लोप ऑफ कॉर्ड 2/T लिए थे ना, पिछली बार tan 30 था, तो इस बार भी tan 30 लिख, tan थीटा लिख देंगे तो हमारा t का वैल्यू कितना आ गया, 2 cot थीटा आ गया, है ना। yes, जो 2√3 था उसकी जगह पे 2 cot थीटा हो गया है। अब इसी को रख करके आपको सॉल्व कर देना है, समझ गए। yes, sir. एक और तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो तरीका मैं अभी नहीं बताऊंगा, है ना, कभी समय मिलेगा तब बताऊंगा। वो भी है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बट आर थीटा कोऑर्डिनेट से। तीसरी नंबर, 0,0 बी द वर्टेक्स इतना भी द डायरेक्ट लेंथ ऑफ इट्स लेटेस रेक्टम। हाँ, ये किसका सवाल है, जीरो कॉमा जीरो सृष्टि। हाँ बताना सृष्टि तुमने क्या सोचा है इसमें, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है। अब बताइए क्या सोचे हैं आप इसमें, देखिए मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ज्योमेट्री इसमें अप्लाई करिए, पैराबोला की जो ज्योमेट्री है उसको अप्लाई करिए। मान लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गया और ये कहीं पे आपका फोकस हो गया, है ना, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गया। अब याद करो कि लैटस रेक्टम जो होता था वो किसके बराबर होता है, लैटस रेक्टम यहाँ पे वर्टेक्स बीच में मिलेगा, परपेंडिकुलर तो इसका डबल होता है ना, फोकस से जितना डिस्टेंस होता है वर्टेक्स का उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स होता है। yes, और ये बात हम लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस अगर a यूनिट होता है तो मेरा लैटस रेक्टम किसके बराबर होता है, 4a के बराबर होता है, राइट। तो आपके पास फोकस दिया हुआ, फोकस नोन है और डायरेक्ट्रिक्स नोन है, तो इनके बीच के डिस्टेंस का डबल कर देंगे हम लोग। yes. तो 0,0 का इसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, लिखेंगे 2 times modulus 2/5 4/5। इज इट क्लियर सृष्टि, ठीक है। 3 नंबर हो गया, 11 नंबर भी कोई बच्चा बता रहा, श्रुति का है। इलेवन नंबर, a,b इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, देन क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग को ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। हम लोग को कहा गया कि ये कोई कॉर्ड है ना, ओरिजिन से पास करने वाला, और ये मान लो कि ए है, ये आपका ओ है, इसका मिड पॉइंट हम लोग को दिया गया है। मिड पॉइंट क्या है, a,b है, a,b। तो ओ के बारे में तो पता है ना हमको, 0,0 होगा, है ना। तो ऐसा करते ए का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग, मिड पॉइंट फार्मूला लगा कर 2a,2b लिखना होगा ना। और चूंकि ए के बारे में पहले से बताया है कि लाइज ऑन द पैराबोला, क्या सेटिस्फाई कर देंगे,
लिखेंगे 4b² = 8x, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सो b² = a लिखना पड़ेगा, 2a. समझ में आई बात? यस सर. है ना, बेसिक डेफिनेशन पर ये जितना 1a में क्वेश्चन दिया है ना, ये सारे बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पर हैं. और वैसे भी कोनिक का सवाल बहुत आसान होता है, बेसिक डेफिनेशन पर होता है, जो आपको कहेगा वो फॉलो करते जाना है. यस सर. आइए, लास्ट टाइम हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड तक पढ़े थे, मतलब कॉर्ड की इक्वेशन तक पढ़े थे ना. आज हम लोग लाइन एंड पैराबोला की डिस्कशन करते हैं. लाइन एंड पैराबोला, तो लाइन और पैराबोला के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन हो सकता है, तो उस इंट्रैक्शन को समझने के लिए हम लोग जस्ट 3 डायग्राम्स ले सकते हैं. उन 3 डायग्राम्स में क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. ये सेम पैराबोलाज हैं, है ना, अलग अलग डायग्राम में मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ. बट मैं जो लाइन ले रहा हूँ वो अलग अलग हो सकते हैं. एक ये लाइन हुआ, दूसरा ये लाइन हुआ, और तीसरा ये लाइन हुआ. तो आप देखिए, फर्स्ट केस में जो लाइन है ना, वो पैराबोला से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है. इस केस में पैराबोला से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन. ये पैराबोला मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिया, कोई भी पैराबोला हो सकता है. दूसरे केस में लाइन जो है पैराबोला को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, टचेस पैराबोला. और तीसरी केस में जो लाइन है वो पैराबोला का दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स. तो किस केस में नो इंटरेक्शन होगा, किस केस में टच करेगा, और किस केस में इंटरसेक्ट करेगा? तो चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax ले रहे हैं, तो प्रोसेस हम लोग इसी पे डिस्क्राइब कर देंगे कि किस तरह से हम लोग को काम करना है, है ना. और हम लोग लाइन की इक्वेशन हर एक केस में पैराबोला y² = 4x, y² = 4ax, और लाइन आपका हर एक केस में y = mx + c में रख लेता हूं, है ना. तो जो डिस्कशन हम लोग पैरामीटर डिफाइन करने के लिए लगाए थे, इस लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. और सॉल्व करते समय हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, और उस क्वाड्रेटिक पर ही बातचीत करते हैं कि कौन से केस में क्या सिस्टम होगा, मतलब लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा. अगर कोई भी लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो लाइन पैराबोला के हमेशा बाहर होगा. अगर कोई भी लाइन पैराबोला को आइडेंटिकल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा. और अगर कोई भी लाइन पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो लाइन कॉर्ड के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है. तो कॉर्ड के केस में क्या होता है, कई बार हम लोग को लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना होता है,
जैसे अगर हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको अगर बी पॉइंट मान लेते हैं, है ना, तो हम लोग को ए बी जो होता है वो कॉर्ड लेंथ कहा जाता है, ए बी इज कॉर्ड लेंथ। और लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ तो ये कॉर्ड एकदम जनरल तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो हम लोग जो है सबसे पहले लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करते हैं, वही पुराने इक्वेशन पर चलेंगे, है ना, फिर कॉर्ड लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आइए, तो अपना वाई के जगह पर क्या रखना, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। ये एक जनरल प्रोसेस होगा, है ना, इसको रटने की कोशिश नहीं करना है, जनरल प्रोसेस है। आप एम एक्स प्लस सी वाई की जगह पर रख देंगे, सो एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि m में क्वाड्रेटिक बन रहा है और आपका 2x कॉमन सी ए माइनस 2a हो गया और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है कि चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अलाइन इंटरसेक्ट एट मोस्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। एक क्वाड्रेटिक हम लोग को मिल रहा, क्वाड्रेटिक इन एक्स, इसका मतलब क्या है, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन ये कर सकते हैं हम लोग कि कब जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो सारी डिस्कशन। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हम लोग को, डिस्क्रिमिनेंट करना पड़ेगा, वेरी गुड, है ना। उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट अपने केस में क्या मिलता है, यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या मिला था, और यहाँ पे माइनस फोर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आप 4a और कॉमन कर सकते हैं, 16a कॉमन हो जाएगा और आपका d में मिल जाएगा a माइनस सी एम। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन बना सकते हैं, कंडीशन प्रपोज कर सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ये हुआ कि a माइनस सी एम अगर ग्रेटर देन हो, अरे ये क्या हो गया, a माइनस सी एम अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, हाँ, तो टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। और अगर आपका a इक्वल टू सी एम हो गया तब टच करेगा सर, टेंजेंसी का कंडीशन बन जाएगा ना, यस सर, टेंजेंट हो जाएगा। और थर्ड, अगर आपका a लेस देन सी एम होता है तो आपका क्या कंडीशन हो जाएगा, लाइन एंड पैराबोला डोंट मीट एनीवेयर, है ना। अब देखिए, yes, इसमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉर्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड ए बी। सो हाउ ए बी इज कैलकुलेटेड, टेंजेंट के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं ना कि ए इक्वल टू सी एम होता है, उसको रख करके काम कर सकते हैं, बट कॉर्ड लेंथ ए बी कैसे कैलकुलेट करना, तो उसका जनरल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो जनरल प्रोसेस क्या कहता है, ये क्वाड्रेटिक को हम लोग को कॉपी करना होगा,
कैसे कॉपी कर सकते हैं इसको? कंट्रोल सी सर। हाँ बोलो सर, वो फोर किधर गया? फोर किधर है? कौन सा फोर जी सर? वो आपने फोर सी स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा तो मार के देखो। अच्छा ये फोर एडिशनल आ गया, नहीं है उसको हटा लो, वो एडिशनल आ गया बेटा। आइए कंट्रोल भी कहाँ पे आया? अरे यार कंट्रोल सेट करो इधर, अगर हमको कॉपी करना तो हाँ आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके रूट्स जो है x1 x2 है, सपोज करो इसके रूट्स x1 x2 है ना, तो मेरा कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगा? x1 plus x2 कॉर्ड AB is given by root over x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। अब क्या करना हम लोग को, x1 minus x2 तो इक्वेशन से मिल जाएगा। yes, x1 minus x2, अब देखो यहाँ पर एक और चीज क्या हो जाएगा, x1 minus x2 तो मिलेगा, y1 y2 को x1 के टर्म में हम लोग लिखेंगे, y1 y2 को x1 के टर्म में लिखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा वो पहले चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 4x1। देखिए पहले सुनो, ये जो पॉइंट्स है वो लाइन पर का भी तो पॉइंट है, इस लाइन पर का ही तो पॉइंट है ना, तो लिखेंगे y1 equal to m x1 plus c। तो हम लोग y1 को रिप्लेस कर सकते हैं m x1 plus c से, तो हम लोग लिखेंगे m x1 plus c minus m x2 minus c whole square। अब देखो ये c से c कैंसिल आउट हो गया और m कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे x1 minus x2 आपका मॉड में बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आपको मिल जाएगा 1 plus m square। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल कर सकते हो। x1 minus x1 plus x2 का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, और इसको रख दो क्वाड्रेटिक से, देख लो एक्स वन प्लस एक्स टू कितना आया, है ना, ये माइनस टू सी एम माइनस टू ए जो भी आ जाता उसको है ना रिप्लेस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक, रटना तो है नहीं, हम लोग रिप्लेस फ्रॉम क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं यहाँ पे, कर लेंगे ये प्रोसेस। यस सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट का हो गया, कुछ न्यूमेरिकल जो है हम लोग टेंजेंट कॉर्ड ये सब पर कर लेते हैं। करा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, पहले तो ऑफ लिख लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व एक्स पासिंग थ्रू टू कॉमा फाइव, 2.5 से टेंजेंट पास करने वाला जो भी है उसका इक्वेशन लिखना है। एक बार तुम लोग ट्राई करो खुद से, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रहे क्या है, c इक्वल टू एम सी। हाँ
सर वो इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल टू 12x. बहुत बढ़िया नन्या. बहुत अच्छा कल्याणी. सेकंड इक्वेशन बताओ पार्थ. बहुत अच्छा कुमावत, बहुत अच्छा पार्थ. बहुत अच्छा श्रावणी. वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छा श्रावणी. बाकी बच्चे अटेम्प्ट करिए. आइए देखिए, मैथ में यूजुअली कस्टमरी होता है कि जो चीज हम लोग नहीं जानते उसको मान करके चलते हैं, है ना. तो इसमें मान लीजिए कि टेंजेंट हमको फाइंड करना, वो हम नहीं जानते कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या है. तो टेंजेंट का इक्वेशन हमको मान करके चलना पड़ेगा. तो टेंजेंट का इक्वेशन हमने बताया था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स में आज भी डेरिवेशन किए हैं, है ना. अगर मेरा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरा टेंजेंट है, मान के चलते कि m स्लोप का टेंजेंट है और c उसका y इंटरसेप्ट है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था, है ना. c इक्वल टू a बाई m. श्रुति एंड ग्रीस, आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर लेंगे. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अपने पास एक एडिशनल रिलेशन है C इक्वल टू ए बाई एम, मतलब C को मैं रिप्लेस कर सकता हूं और लिख सकता हूं एम एक्स प्लस
ए बाई एम। तो यहाँ पे ये मेरा टेंजेंट हो गया, इसी को एज्यूम करके चलना है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टाइप का जो चीज होगा उसमें टेंजेंट हमको किसको मानना पड़ेगा, एम एक्स प्लस ए बाई एम को मानना पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूंगा कि ए का वैल्यू हमको यहाँ से पता है, फोर ए इक्वल टू कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया। सो ए कितना रिप्लेस करेंगे हम लोग, थ्री रिप्लेस करेंगे, है ना। तो लिखेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री बाई एम। अब इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है, ओनली एम है, एम हमको पता नहीं है। एम कहाँ से मैं फाइंड करूंगा, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेंजेंट जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 2.5 से पास कर रहा है। तो अगर ये 2.5 से पास कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये 2.5 जो है सेटिस्फाई करेगा इसको, 5 इक्वल टू एम प्लस 2m प्लस 3 बाई एम। और यहां से हम लोग m को सॉल्व कर लेंगे। हाँ बहुत अच्छा ऋषिकेश, m को सॉल्व कर लेंगे। m को सॉल्व करने पे m क्या मिलता है, 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका m मिल जाएगा 3 के इक्वल, और कितना मिलता है जी एक और m, और जो भी इक्वेशन मिल जाएगा वही आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को पैराबोला चेंज कर देता है। यहाँ पे तो पैराबोला हमने सिंपल रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अगर मान लीजिए कि दूसरा पैराबोला हमें दे देगा तब हम क्या करेंगे, मतलब कम से कम स्टैंडर्ड पैराबोला जो चार डायरेक्शन में है उनके टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना, उनके टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए। सो थोड़ी सी कोशिश करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स में जनरल टेंजेंट हम लोग क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लिखते हैं, राइट। अगर मेरा पैराबोला चेंज हो जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, इसमें जनरल टेंजेंट क्या लिखेंगे हम लोग, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। बहुत सही है, देखिए इसमें जो जनरल टेंजेंट लिखेंगे वो चेंज करके एक्स और वाई को चेंज कर देंगे, मतलब इंटरचेंज करना पड़ेगा। लिखेंगे एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एम वाई प्लस ए बाई एम। ए बाई एम इसमें क्या करना है, देखो वाई की जगह पे एक्स आ गया है तो टेंजेंट में भी वाई की जगह पर एक्स कर देंगे तो टेंजेंट मेरा मिल जाएगा। अगर आपका इक्वेशन मान लिया कि निगेटिव वाला होता वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स होता है तो यूजुअली हम लोग कस्टमरी क्या रखते हैं कि स्लोप या तो एम रहे या वन बाई एम रहे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम लिख देंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई, सपोजिंग दैट कि यहाँ पे ए क्वांटिटी जो था वो निगेटिव टाइप का था, समझ गया। तो ये आपका टेंजेंट बन जाता है। और ठीक इसी तरीके से ये जो चौथा पैराबोला हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई में, तो यहाँ पे क्या टेंजेंट लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एम वाई माइनस ए बाई एम, है ना। अब देखिए यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है, एक तो इस पैराबोला में स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, एम एम नहीं है, यहाँ पे वन बाई एम के बराबर है, ध्यान से देखो। Yes, sir, one by M slope. है ना, ये yes. को इधर करेंगे ना, yes, sir, x का yes, sir, x. इसमें y intercept कितना है, माइनस a by m square. M square है। ये ध्यान रखना है, गलत फहमी यहीं पर होती है, हम लोग जो है टेंजेंट तो मान लेते हैं और उसका स्लोप हम लोग को ध्यान में रहता है कि m ही होता है, जबकि m यहाँ पे स्लोप नहीं है,
ठीक है। और दूसरा इस पैराबोला में आप गलती कर सकते हो, यहाँ पे भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, वन बाय है ना, वन बाई एम ले लेंगे। यस, स्लोप इज इक्वल टू वन बाई एम, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, a by m स्क्वायर, c का वैल्यू हो जाएगा आपका a by m स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला में कि इस तरह से हम लोग को टेंजेंट लेना है। अगर शिफ्टेड पैराबोला आ गया तब क्या करेंगे, y को y माइनस y1 को, बिल्कुल है ना, फॉर शिफ्टेड पैराबोला, फॉर शिफ्टेड पैराबोला मैं एक का एग्जांपल लिख देता हूं, बाकी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h है ना, तो इसका टेंजेंट हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, है ना, यहाँ पे स्लोप तो आपका m है, y इंटरसेप्ट बता सकते हैं, a by m, no no a by m plus mh minus a by m plus k mh plus plus minus mh माइनस एम एच। यस सर, इतनी बात ध्यान में रखना है, अंधाधुंध नहीं की है भाई, एम ही इसका है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। यस सर, ठीक है, बस ये छोटी छोटी बात है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए अब हम लोग टेंजेंट से वाकिफ हो चुके, कैसा टेंजेंट मानना है ना। अब मैं आप लोग को इन चैप्टर एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं उसी से एक और एग्जाम्पल मैं रिफर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि y माइनस बी एम वन टाइम्स x प्लस ए एंड y माइनस बी एम टू टाइम्स x प्लस ए। ये दो लाइन जो टेंजेंट्स है आर टेंजेंट्स आर टेंजेंट्स टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तब हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 है ना, m1 एंड m2 में क्या रिलेशन होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन m1 m2, मतलब इसमें दो तरह से आप रिलेशन बता सकते हो। पहला आप ये बता सकते हो कि m1 into m2 क्या होगा, दूसरा आप ये बता सकते हो कि m1 plus m2 क्या होगा। इसमें जो